वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आप सभी का फिर से वाई अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। जो आज हम डिस्कस करने वाले साहू संत तुकाराम स्कूल का केमिस्ट्री का आंसर की डिस्कस करने वाले, जो एग्जाम हुआ था आपका 10th अप्रैल को आई गेस, तो उसके हम आंसर की डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री के। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और जो सेट है वो है सेट बी। तो आप सेट बी लेके क्वेश्चन बैठ सकते हैं और आप टैली कर सकते हैं आंसर आपके, और ये पीसीबी सेट बी है तो आप उसके आंसर चेक कर सकते हैं खासकर केमिस्ट्री के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से आज चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है आपको, अ न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, 8 इन सेकंड एनर्जी लेवल एंड 8 इन द थर्ड एनर्जी लेवल। क्वेश्चन पूछा द इंफॉर्मेशन डज नॉट नेसेसरी टेल अस, ये बताना है कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो कौन सा ऑप्शन में है मैच करेगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आप न्यूट्रॉन्स नहीं पता कर सकते, क्योंकि आपको ये पता नहीं कौन से आइसोटोप्स के बारे में बता रहा है, उसका मासेस क्या है, क्योंकि आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी हो सकता है, तो इसके वजह से आपको न्यूट्रॉन्स प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसके बारे में आप न्यूट्रॉन्स के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें आप कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा आइसोटोप की बात करें, कौन सा एलिमेंट की बात करें, आप उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी तीन चीज आप बता सकते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एनीथिंग अबाउट एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कैसे पता चलेगी, वैलेंसी में कौन से शेल में लाई कर रहा है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, तो ये सब उसके बारे में बता सकते हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, ठीक है आपको बताना है एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल बेसिकली वो होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर यही आपको नोड पूछा होता है, यही आपको नोड पूछा होता है, तो नोड क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, वो एरिया ऑफ रीजन स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाने की क्या है, जीरो होती है, उसे हम कहते हैं नोड। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल पूछा, ऑर्बिटल क्या होता है, वो स्पेस या रीजन जो आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थर्ड के 53 की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, और अल्कोहल में आपको पता हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये वाटर क्या होगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल की सोल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कोई भी प्रोपोर्शन हो अल्कोहल वाटर में सोल्युबल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अभी तक जितने भी हमें ऑप्शन मिले हैं, 51 का डी, 52 का भी डी, 53 का भी डी। 54 का क्या है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जो एच एसिड लेके देते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड। ठीक है, हाइड्रा एसिड इसको हम बोलेंगे हाइड्रा एसिड, और यहीं पे अगर ऑक्सीजन लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड। ठीक है, ऑक्सो एसिड, दोनों की एसिडिटी डिटरमाइन करने का अलग अलग फॉर्मूला है आपका। हाइड्रा एसिड का डिटरमाइन करने का क्या है, अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाएंगे, अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाएंगे तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड, व्हाट यू हैव टू सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लुक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डाउन द ग्रुप आपको जाना है, डाउन द ग्रुप तो आपको साइज, जिसका साइज बढ़ा उससे ज्यादा क्या होगा, साइज। ठीक है, साइज इंक्रीज, तो जिसकी सबसे ज्यादा साइज रहेगी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होता है, आयोडीन का होता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इसका हो जाएगा। ठीक है, यही अगर आपको ऑक्सो एसिड्स की बात की जाए, ऑक्सो एसिड्स का क्या होगा आपका, नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ OH, या फिर दूसरा जब अगर ये वाला सेम रेशियो आ जाए तो आपको क्या देखना है, चार्ज, चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन। तो ये दो तरीके होते हैं, आपको जो पूछा गया था वो हाइड्रा एसिड्स का पूछा गया था। हाइड्रा एसिड्स का बेसिकली आपको दो चीज देखना है, अक्रॉस द पीरियड पूछा जाए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो सबसे ज्यादा होगा।
ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तरीके पर बताऊं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने एग्जांपल लिया CH4, H2O और NH3, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जिसका क्या होगा, क्या होगा, फ्लोरीन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, या फिर HF भी लिख दूं। तो इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, क्योंकि बाकी में सेंट्रल सब्स्टिट्यूएंट आइटम क्या है, सेम है, हाइड्रोजन 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 लगा हुआ, बट हमें मतलब किससे, सेंट्रल आइटम से, इधर कार्बन है, इधर इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, इधर फ्लोरीन है, ठीक है, इधर फ्लोरीन है आपका, तो सेंट्रल आइटम जिसका जो रहेगा उसके हिसाब से होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है आपको, H2SO4 एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने कार्बन कंपाउंड पढ़ा होगा आपको पता होगा H2SO4 क्या होता है, एक्ट एज व्हाट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक तरीका ये हो गया आपको आंसर निकालने का। तो अगर इससे देखेंगे डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या है, पानी का रिमूवल, तो पानी का रिमूवल किस 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 में हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, बट इसमें नहीं हुआ है, तो यही है क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं एक्ट कर रहा है। या फिर दूसरा तरीका आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सब में आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट सब में बदला हुआ है, बट इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम क्या है +2 और -2, इधर भी क्या है कैल्शियम +2 -2, जिसमें कोई चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं हुआ है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है, फर्स्ट का डी, सेकंड का भी डी, थर्ड का भी डी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का सी। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। 56 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द लीगल एक्टिविटी इन फ्रेश वाटर लेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस की वजह से होता है ये, आपको थेरेटिकल है ये आपको रटना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 57 का जो आंसर है वो है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला बना है AlX बना है, ठीक है, AlX बना है, तो अगर आप इसको डिसोशिएट करेंगे एल्यूमिनियम +3 + X -3, क्योंकि आप जो भी डिसोसिएशन लिखते हैं आपका क्या होना चाहिए, चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो अगर इधर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो इधर क्या है जीरो, इधर भी क्या होगा +3 - 3 क्या आएगा जीरो, यही हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट डिसोसिएशन। तो इसमें अगर फॉर्मूला 1 by 1 चेक करें, सल्फर की वैलेंसी होती है -2, फ्लोरिन की -1, ऑक्सीजन की होती है -2 और नाइट्रोजन जो नाइट्राइड बनाता है उसकी होती है -3, तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये काफी आसान तरीका था आपको निकालने का, और हमें पता है नाइट्रोजन क्या है, एज अ डायटोमिक गैस एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। 70 का देख लेते हैं, 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 4-methyl-X2-ion, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 1, 2 कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और आपको दिख भी रहा है क्या कि हेक्स सब में है, तो कहीं ना कहीं 6 कार्बन आने चाहिए थे, और इसमें फंक्शन ग्रुप क्या प्रेजेंट है आपका, अल्काइन प्रेजेंट है, तो सबसे कम नंबर होना चाहिए, तो सबसे कम नंबर 2 और 2 इधर है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे आपका क्या है, मिथाइल, 4-methyl-X2-ion, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इधर एक ग्राफ दिया था, आई डोंट नो वो किधर गया है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है, 64 आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन्स पूछा है और आपको फॉर्मूला पता है, अल्काइन्स क्या कहते हैं, CnH2n-2, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, दैट इज C3H4। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, C3H4, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको अल्काइन का फॉर्मूला मिल जाएगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 65 का आंसर होगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी आप एसिडिक कैरेक्टर निकालते हैं आपके सिलेबस में सिर्फ
एक वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज किया गया, ठीक है। लेटर ऑन आप हायर केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी तो आपको पता चलेगा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट यूज किया जाते हैं जिसमें एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर डिफर करते हैं, ठीक है। तो जो आपने कैरेक्टर पढ़ा हुआ एसिडिक कैरेक्टर वाटर में वीक होता है वो किसी और सॉल्वेंट में स्ट्रांग होता है। जैसे अमोनिया सॉल्वेंट लेंगे तो जो आपका एसिडिक एसिड वीक होता है वो किस में आ जाएगा, बेसिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हालांकि जो कॉपर सल्फेट एसिड कैरेक्टर दिखाता है वो किसकी वजह से दिखाता है, जब पानी में इसको डिजोल्व करते थे, पानी में डिजोल्व करने के बाद क्या वो टूट जाता है, इसलिए क्या लिखा है, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब टूटना। तो 65 का करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का देखते हैं, एनालॉग जिंक एंड कॉपर इज डिसॉल्वेंट डाइल्यूट HCl अंडरगोज हाइड्रोजन गैस इज डिसॉल्व्ड। 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली आपका रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पे डिपेंड कर रहा है, जिंक HCl से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, बट कॉपर प्लस HCl होगा वो रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, बट कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो कॉपर को हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म ही नहीं होगा, कॉपर क्लोराइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगा। तो ओनली क्या 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, पेपर काफी अच्छा बना है, एटलीस्ट बहुत अच्छा बना है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से चेक किया जाए, ठीक है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 57.6। ये बेसिकली क्या है, आपको एटॉमिक मास पे, एवरेज एटॉमिक मास पे निकाला है, तो वो कैसे निकालेंगे आप, एवरेज एटॉमिक मास कैसे होगा, 56 into, और आपको क्या बोला है, लाइटर आइसोटोप का 20% है, इधर क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 58 into 0.8, क्योंकि हैवियर का आपका अगर 100% कंसिडर किया जाए तो 20 divided by 100 क्या होगा 0.2, और बचा हुआ क्या होगा हैवियर का 80% उसका क्या होगा मास, तो ये हो गया आपका, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 57.6। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्या कह रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो इधर क्या होगा, वॉल्यूम अगर क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो उसमें क्या वॉल्यूम पे डिफरेंस होगा, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इंक्रीज, ठीक है, आपको क्या बोला है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम पे क्या फर्क आएगा, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ ये कहता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी क्या होगा इंक्रीज होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों, क्योंकि पहला क्या हो रहा है, पी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट मतलब क्या, मेटल मेटेलिक बॉन्ड होगा, सॉलिड स्टेट क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड, कोई ना कोई मेटल होगा, ऑप्शन सी जो KCl और KCl है, सी और डी ऑप्शन जो है उसमें क्या है एनिक बॉन्ड है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बचे आपके पास ऑप्शन क्या है, ए और बी, ठीक है। उसके बाद क्या वाला है, क्यू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है, तो ये MgCl2 भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है। आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में ये जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। आर क्या बोल रहा है, मोल्टन स्टेट में, ठीक है, मोल्टन स्टेट में, और अगर ऑप्शन नंबर हम लोग ए देखे, आर क्या है, HCl दिया है, HCl आपका क्या होता है, HCl होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर का मतलब क्या होता है आपका डायपोल मोमेंट, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो जिसकी वजह से जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं वो किसमें डिजोल्व होते हैं, सोल्यूशन में डिजोल्व होते हैं, मतलब इनको कहीं ना कहीं पानी की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई सोल्यूशन पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रोमीन आपका क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते, बट जो ए और बी में जो ऑप्शन एलिमिनेट करने का रीजन है वो है ये आर, ठीक है, और ये आर क्या है, इधर ये मोल्टन स्टेट में तो क्या टूट जाएगा, क्या कैसे टूटेगा, Na2O है, ठीक है, तो 2Na+O2-, तो ये जो आयन है इसके वजह से क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, बट वो जो HCl है वो क्या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जिसकी वजह से क्या उसको सॉल्यूशन चाहिए, बट आर क्या बोला आपको, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट होगा, किसी वजह से ऑप्शन ए ना होने की वजह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज वैसे भी नहीं कंडक्ट करेगा क्योंकि वो क्या होगा टूटेगा नहीं, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एस नाइदर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन स्टेट,
तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ना कि ए। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, 58 का आंसर क्या है, इफ आई नो जिसन कोटेशन इज लो फॉर पर्टिकुलर एटम इट विल, इसका ऑप्शन हो जाएगा इजली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कटायन। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आपका किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब सपोज अगर मैंने सोडियम लिया Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। तो जितनी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा आपको निकालने में इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगी, ठीक है, प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी आपका क्या होगा वो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है आपका न्यूक्लियस के पास में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से क्या होगा स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है। बट इसमें क्या बोल रहा है, अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल लो, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है, जिसकी वजह से वो क्या होगा कैटायन में कन्वर्ट होगा। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है आपका कैटायन में कन्वर्ट होना, जबकि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा होता है तो उसका होता है एनायन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गए आपके, बचा ये हार्डली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, ये तब होता, ये ऑप्शन तब होता जब आपका क्या होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, बट इसमें क्या बोला, कम बोला, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है आपको इसका। अगर आपको पीएच वैल्यूज आपको रटी होती तो आप आराम से कर लेते। इसका क्या होगा, टोमेटो जूस की वैल्यू होती है 4 to 4.5 और गैस्ट्रिक जूस क्या होता है एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है 1 to 3 होगा। तो कहीं ऑप्शन पी का 4 दिया हुआ है, पी का 4 बीच में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। आपको एक भी ऑप्शन, सबसे आसान मैथ का कॉलम होता है, आपको एक भी ऑप्शन पता है आप करेक्ट कर सकते हैं। देखिए इधर सिर्फ एक ऑप्शन पता होना है, उसके बाद मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, हालांकि मुझे पता सभी, आपको अगर नहीं पता होता तो आपके लिए आसानी होती, किसी का भी एक पता करते। ठीक है, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, मैग्नीशियम रिबम चिप्स ऑन बर्निंग, इसका आपको असर्शन और रीजन पूछा है, ये दोनों असर्शन और रीजन क्या है करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसा क्यों, जो मैग्नीशियम है वो क्या है नाइट्राइड के साथ आपका फॉर्म बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है नाइट्राइड के साथ आपका फॉर्म बनाता है। आपको पता है मैग्नीशियम कितना है, इसका फॉर्मूला हो गया Mg3N2। ठीक है, ये बिल्कुल बात करेक्ट है। और जो मैग्नीशियम है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही दे रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम प्लस नाइट्राइड आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपको Mg3N2 बनेगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स 1 or 2 molecules मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करे, आप बैलेंसिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असर्शन और रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60 का, ऑप्शन नंबर ए। 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 61 का, गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर कंडक्टिविटी मे बी इंक्रीज बाय। ठीक है, इधर 6 और इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, डिक्रीजिंग द प्रेशर और इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हो, आयंस जब मूव करेंगे तब क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जब प्रेशर हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, क्या होगा, प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या करें, डेंसिटी डिक्रीज करें। ठीक है, डेंसिटी क्या करें, डिक्रीज करें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेगा वो दूर होने लगेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने इंक्रीज किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, जो तेज तेज मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसलिए क्या है, डिक्रीजिंग द प्रेशर और इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, बट ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक डाउन सॉइल मिनरल। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका सभी कॉन्सेप्ट चेक किए गए। ठीक है, यही एक क्वेश्चन जो बाकी था, आप ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ग्राफ समझा देता हूँ, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आपको ड्यूरिंग अ फेज ट्रांजिशन ऑफ अ सस्पेंशन द टेंपरेचर वर्सेस हीट एनर्जी ग्राफ इज शोन बिलो, आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ ग्राफ विच शो इंक्रीज इन ओनली पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज इन ओनली पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ना कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, काइनेटिक एनर्जी अलग होती है। तो इसका देख लेते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज होता है,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज किया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपका चेंज होगा। और डिफरेंट टेम्परेचर के डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तो क्या बोलो, डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको फेज ट्रांजिशन दिया है। ठीक है, फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, जब भी फेज ट्रांजिशन चेंज होता है, फेज ट्रांजिशन होता है, तो आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या बोला, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो मुझे हमें वही रीजन देखना है जिसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, आपका चेंज हो रहा है, या फिर हमें वो देखना है जिसमें टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से ग्राफ इंटरप्रेटेड करेंगे, तो ये वाला जो CB वाला है, इसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और ED वाला जो है लाइन, वो क्या है, आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो इसका जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होगा, क्या होगा, CB और ED वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CB और ED जो रीजन रहेगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का पूछा होता, तो आपका क्या होता, आपका होता CD और EF, CD और EF हो जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला टेम्परेचर चेंज होगा, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो इधर एक इधर एक बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर अलग हो रहा है, इधर एक टेम्परेचर अलग हो रहा है। ठीक है, बट ये जो CB वाला है, आपको किसका पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी का पूछेगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का। तो आपको जो भी ऑप्शन दिया है आप देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का पूछा गया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का पूछा गया, तो जो रीजन होगा वो होगा CB और ED होगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आ रहा है, इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आ रहा है। ये लाइन दिख रहा है आपको, ये कॉन्स्टेंट दिखा रहा है टेम्परेचर, और ये लाइन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिखा रहा है। जब भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आपको पूछा इंक्रीज इन ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, तो एक CB होगा और एक ED होगा। और काइनेटिक एनर्जी का पूछा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का पूछा होता तो आपका क्या हो जाता, आपका हो जाता CD और EF। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, टेम्परेचर बदल रहा है, और इधर क्या है, टेम्परेचर आपका बदल रहा है। तो CD और EF हो जाता रीजन काइनेटिक एनर्जी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CB और ED। ठीक है, देख लेते, मैंने आपको जो बोला था ऑप्शन इधर दिया, यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BC और ED। ठीक है, CB और D, ED बोला मैंने, BC और ED। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर B। अगर ये CD और EF क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी का, बट आपको पूछा किसका गया है, पोटेंशियल एनर्जी का। ये सभी रहे आपके आंसर की PCB सेट B के साहू संत तुकाराम स्कूल के। ठीक है, उम्मीद करो सभी आपको क्लियर होंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तब तक आप मदद करते रहिए। टिल देन, थैंक यू, एंड हैव अ ब्लेस्ड डे।